कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण कानपुर प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। कोरोना मीटर बढ़ने के कारण जो कानपुर प्रशासन है उसने यहां पर सारी चीजें सील कर दी हैं, ना कोई बाहर निकलेगा और जो भी आवश्यकताओं की चीजें हैं वो सिर्फ होम डिलीवरी के तहत उन्हें पहुंचाई जाएंगी। इस वक्त हम कानपुर के परेड चौराहे पर खड़े हैं, जहां से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट घोषित हो चुके हैं, और यहां का जो नज़ारा है वो भी आपको दिखा दें कि यहां पर पूरी तरीके से इसको सील कर दिया गया है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, ना ही कोई घर से बाहर निकल रहा है, और जो पुलिस प्रशासन है वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। और ये जो चौराहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि दो बड़े अस्पताल हैं इस चौराहे से जुड़े हुए, तो जो मरीज हैं या फिर कुछ वाहन हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, और उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है वो उन वाहनों को रोक कर उनसे पूछताछ कर रहा है, और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो सख्त रवैया अपना रहा है, जिसका नज़ारा भी आपको दिख रहा है। और इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि जो डीएम के आदेश आए हैं उसको अभी पालन किया जा रहा है, और ये इस वक्त एक पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ नए नियम आए हैं और किस तरीके से पालन करा रहे हैं। हाँ जी, कोरोना बढ़ रहा है हमारे ज़िले में। सरकार के आदेशानुसार हमारे उच्च अधिकारियों ने सख्ती से आदेश का पालन कराने के लिए कहा है, और जगह जगह रेड जोनों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति ना जाए, और अनाउंसमेंट भी कराए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले, अपने ही घर में रहे, और विशेष परिस्थितियों में जब कोई बीमार हो तो उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, उसी से आए जाएं, अनावश्यक वाहन ना निकले। आप अपने घर से बाहर निकले हैं, क्या वजह है जो आप बाहर निकले हैं? जी मैं तो कोरोना फाइटर हूं, मैं तो पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता हूं, और मैं सबके लिए रक्षक बन के निकला हूं। मुझे मेरे कप्तान साहब ने जो है मुझको बाहर निकाला कि आप लोग बाहर की ओर निकलें और जनता की सेवा करें। मैम, तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं? जी मैम। जिस तरीके से कोरोना मरीज निकल रहे हैं और कानपुर में संख्या बढ़ रही है, तो उस तरीके से नहीं लगता कि आपको भी घर में ही रहना चाहिए, ये जो फाइटर्स हैं वो भी घर पे ही रह के का योगदान दें? मैम ये तो हो नहीं सकता मैम, जैसे पुलिस करती है उसी तरीके से हम लोग सिविल डिफेंस में हैं, और हम लोग सिविल आदमी हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम देशभक्त हैं तो देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मैम। आगे क्या मैसेज देंगे जो लोग घर पर हैं? मैम मैं तो यही चाहूंगा कि अगर घर पे हैं तो कायदे से रहें और घर के बाहर मत आए, क्योंकि होम डिलीवरी सारा सामान आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप लोग भी अपना जाके घर पे ही कॉल करें और कॉल करके सामान मंगाएं। देखिए, जिला अधिकारी के आदेश के बावजूद भी उसका जो असर है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, और जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका पालन कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी से अपील करी जा रही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घर के अंदर सुरक्षित रहें। कानपुर से सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया।